न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम हल्ला बोल। इस कार्यक्रम में हम समाज से जुड़े ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिनमें भ्रष्टाचार और लोगों के मिलने वाली सुविधाओं का अकाल पड़ता नजर आता है। ऐसा ही कुछ मामला है। बात तो कही जा रही है डिजिटल इंडिया की। आज़ादी के 70 साल हो चुके हैं लेकिन आज भी देश के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएँ लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। ये सुविधाएं जो है लोगों से काफ़ी दूर हैं। वहीं अगर बात की जाए 9 महीने के टेंडर को लेकर सड़क में 3 साल लग जाते हैं लेकिन फिर भी सड़क का काम पूरा नहीं होता। कहां का है और क्या है पूरा मामला, इस पर हम बात करेंगे हमारे खास कार्यक्रम में जिसका नाम है हल्ला बोल। टिहरी के घनसाली, जी हां, उत्तराखंड के टिहरी के घनसाली विधानसभा के कांगड़ा गांव के लोग आज भी अंधेरे में जीवन जी रहे हैं। इस गांव का भविष्य सड़क के अभाव में, बिजली, पानी, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों से महरूम है और यहां के रहवासी आज भी जंगली जीवन जीने को मजबूर है। गाँव में निविदा के हिसाब से 9 महीने में बनने वाली सड़क को तैयार करने में 3 साल का वक्त लग गया लेकिन बावजूद इसके ये सड़क पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है, अधर में अटकी हुई है ये सड़क। वहीं स्थानीय रहवासी इसका जिम्मेदार ठेकेदार और विभाग को बता रहे हैं। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने जल्द ही सड़क मार्ग पूरा करने का आश्वासन दिया है। ये मामला जो है ये 21वीं सदी का मामला है और बड़ा दुर्भाग्य है कांगड़ा के गाँव का और दुर्भाग्य यहाँ के जनप्रतिनिधियों का और दुर्भाग्य भी है यहाँ के PWD के, जो इतना बड़ा उत्तराखंड में इतना बड़ा विभाग है PWD, जहाँ ये दावे करते हैं कि हम गांव-गांव तक सड़क पहुँचाएंगे और आज भी कांगड़ा गांव में सड़क नहीं पहुँची। तो इसके लिए तो जनप्रतिनिधि भी जिम्मेदार हैं, इसके लिए PWD विभाग भी जिम्मेदार हैं। 5 में से 4.5 किलोमीटर का निर्माण कार्य पूरा हो गया, केवल 0.5 किलोमीटर का कार्य बाकी है, वो जल्द पूर्ण हो जाएगा। चंद्रला कांगड़ा गांव की सुरक्षा के लिए हम लोग बैरिकेड्स लगवा रहे हैं, काम शुरू कर दिया गया। आपको बता दें हल्ला बोल में आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के कांगड़ा गांव की। ये वो कांगड़ा गांव है जो घनसाली विधानसभा में आता है और यहां के लोग आज भी, आज़ादी के 70 साल हो गए इस देश को लेकिन आज भी यहां के लोग अंधेरे में जीवन जीने को मजबूर हैं। इस गांव का भविष्य सड़क के अभाव में, बिजली, पानी, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी ज़रूरतों से महरूम हो गया है क्योंकि ये सड़क नहीं होने से ये सारी सुविधाएँ यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। यहाँ के रहवासी आज भी कुछ अलग ही तरीके से, या यूं कहें कि जंगली जीवन जीने को मजबूर हो गए हैं क्योंकि जिस तरह से सड़क नहीं होने से इनकी दूसरी मूलभूत सुविधाओं किसको लेकर जो है अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, वहीं इनको जो बिजली, पानी, सड़क नहीं होने की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ काफ़ी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं और जो कुदरती खूबसूरती होती है यहाँ पर एक अलग, हर क्षेत्र में एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है और पर्यटन के क्षेत्र से ये राज्य जो है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। बावजूद इसके यहाँ के लोग जो हैं मूलभूत सुविधाओं से आज भी तरस रहे हैं। आपको बता दें गांव में निविदा के हिसाब से 9 महीने में ये सड़क बनकर तैयार होनी थी लेकिन 3 साल पूरे होने के बावजूद भी आज भी ये सड़क अधर में अटकी हुई है। जिस तरह आपने सुना कि रहवासियों का कहना है कि बदकिस्मती है इस क्षेत्र की, बदकिस्मती है उन जनप्रतिनिधियों की जो यहाँ चुनकर आए, जिन्होंने इसके लिए काम नहीं किया, बदकिस्मती है उस विभाग की, PWD विभाग की, जिन्होंने दावे तो बड़े बड़े किए विकास को लेकर लेकिन ये विभाग यहाँ पर एक सड़क देने में नाकाम साबित हो रहा है। टिहरे के घनसाली विधानसभा के कांगड़ा गांव की ये तस्वीर है। टिहरी के घनसाली विधानसभा के कांगड़ा गांव के लोग आज भी अंधेरे में जीवन जीने को मजबूर हैं। पर्यटन के हिसाब से देखा जाए तो उत्तराखंड काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है लेकिन यहां के लोग जो है मूलभूत सुविधाओं के अभाव में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज़ादी के 70 साल हो गए, डिजिटल इंडिया की बात कही जा रही है, शाइन इंडिया की बात, इंडिया शाइन की बात कही जा रही है लेकिन आज भी कई क्षेत्र ऐसे हैं देश में जो मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं।
सड़क नहीं होने के चलते यहाँ के लोग स्वास्थ्य सेवाओं से महरूम हैं। बिजली पानी जैसी सुविधा इनको नहीं मिल पा रही है। अगर गांव में कोई बीमार हो जाता है तो काफ़ी परेशानी सामने आती है। रहवासी जनप्रतिनिधियों को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कहते हैं वोट मांगने तो लोग आ जाते हैं, लेकिन नेता वोट मांगने के बाद और जीतने के बाद इस तरफ का रुख ही नहीं करते हैं। शायद यही वजह है कि आज भी आज़ादी के 70 साल गुजर जाने के बाद भी ये जो कांगड़ी गांव है, कांगड़ा जो गांव है, मूलभूत सुविधाओं से तरसता नज़र आ रहा है और यहाँ के लोग जो हैं नरकीय ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। नरकीय ज़िंदगी इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं पीडब्ल्यूडी के अधिकारी LN वर्मा। वर्मा जी, न्यूज़ रूम में आपका स्वागत है। हाँ जी, कांगड़ा गांव के बारे में तो आपको मालूमात होगी। हाँ जी, हाँ जी मालूम जी। यहाँ पे सड़क की अभी क्या स्थिति है, क्योंकि यहाँ के सड़क के अभाव को लेकर यहाँ के लोग काफी परेशान हैं। कई सारी सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही हैं सड़क नहीं होने की वजह से। इसमें कार्य निर्माण कार्य चल रहा है। 5 किलोमीटर की सैंक्शन है जी और 4.5 किलोमीटर की कटिंग का काम हो चुका है। 0.5 किलोमीटर भी बचा हुआ है जी, तो कार्य चल रहा है उसमें प्रगति। वर्मा जी, जो 0.5 किलोमीटर का काम बचा है कितने वक्त में पूरा हो जाएगा? हाँ जी, कितने वक्त में पूरा हो जाएगा जो 0.5 किलोमीटर बचा है? हाँ वो हो जाएगा, महीने भर में हो जाएगा। महीने भर में हो जाएगा, लेकिन 4.5 किलोमीटर की जो सड़क है उसको बनाने को लेकर 3 साल का वक्त लग गया है। हाँ, बीच में पहले विवाद वगैरह थे, उनको सुलझाने में समय लगा। किस तरह के विवाद सामने आए थे? हाँ जी, किस तरह के विवाद सामने आए थे? वो समरेखण में विवाद थे। किस तरह का? समरेखण जी। तो जिस तरह देखा जाए 3 महीने का इसका जो है कॉन्ट्रैक्ट पास हुआ था, निविदा जो थी 3 महीने में सड़क निर्माण करने की बात थी। 5 किलोमीटर की सड़क है लेकिन 3 साल से ज्यादा का वक्त लग गया है। किस क्या कमी मानते हैं, किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? हाँ, इसमें काश्तकारों का विवाद रहा इसमें, जिसकी वजह से लेट हुआ जी। तो काश्तकारों का विवाद था, तो प्रशासनिक स्तर पर अगर बात की जाए तो इस तरह की समस्या के निदान के लिए कोई रास्ता नहीं निकाला गया? प्रयास किए गए थे जी। देखा जाए 70 साल हो गए देश को आज़ाद हुए वर्मा जी, लेकिन आज भी यहाँ के लोग जो हैं मूलभूत सुविधाओं से तरस रहे हैं। वजह सिर्फ एक है, सड़क नहीं होना। क्या वजह है कि इनकी तरफ सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा? नहीं देखिए, हम तो अपने पूरे प्रयास कर ही रहे हैं और जिस हिसाब से सैंक्शन प्राप्त हुई है उस हिसाब जी आपका प्रयास भी हमें दिख रहा है। आपका प्रयास भी हमें दिख रहा है क्योंकि जो मैं सड़क 9 महीने में बनकर तैयार होनी थी 3 साल लग गए, उसके बावजूद भी ये अधूरी सड़क है। आपका कहना है कि 4.5 किलोमीटर का सड़क का निर्माण किया जा चुका है लेकिन अभी भी लोग यहाँ पर सड़क नहीं होने की बात कह रहे हैं। 0.5 किलोमीटर की शेष है, लेकिन लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है पीडब्ल्यूडी की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, उसने जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाई जिसके चलते सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है। नहीं, गलत, ये बात गलत है। जो तस्वीरें दिख रही है वो सच है या आपकी बात सच है? गलत है, वो प्रयास कर रहे जी, सड़क निर्माण के लिए पूरे प्रयास कर रहे। नहीं, प्रयास तो आप कर ही रहे हो, 3 साल आपके प्रयास लगातार 3 साल से जारी है, बावजूद इसके सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। प्रयास कर ही रहे और हो जाएगा। तो ये प्रयास कब तक खत्म होंगे? प्रयास ही बनकर रह जाएंगे या इसका कुछ नतीजा भी निकल पाएगा? हाँ जी, चल रहे हैं। कब तक हो पाएगा ये? एक महीना लग जाएगा। 1 महीने बाद फिर हम आपसे संपर्क जरूर करेंगे इस बात को लेकर। चलिए, आप जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, ये इस वक्त हमारे साथ बात कर रहे थे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी LN वर्मा। इनका कहना है कि सिर्फ 0.5 किलोमीटर की सड़क बची है, 5 किलोमीटर का निर्माण का टेंडर पास हुआ था, 4.5 किलोमीटर की सफर जो है सड़क बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन यहाँ सोचने वाली और ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस सड़क का निर्माण को लेकर 9 महीने की बात कही गई थी, 9 महीने का निविदा पास की गई थी, इस सड़क के निर्माण को लेकर 3 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, बावजूद इसके 5 किलोमीटर की सड़क नहीं बनी है, जबकि 3 साल अपने आप में एक बड़ा अंतराल होता है और ऐसे में बड़े बड़े प्रोजेक्ट को जो है अंजाम दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर एक 5 किलोमीटर की सड़क को अंजाम नहीं दिया गया है। जिस तरह PWD के अधिकारी वर्मा का कहना है कि 1 महीने में 0.5 किलोमीटर की सड़क बना ली जाएगी। अब 0.5 किलोमीटर की सड़क बनाने में 1 महीने का वक्त लग रहा है, तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वाकई में किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार प्रयास करने की बात भी वो अभी भी कहते नजर आ रहे हैं।
हाँ, आपको बता दें इस आज हम हल्लाबल में बात कर रहे हैं उत्तराखंड के टिहरी के घनसाली विधानसभा के कांगड़ा गांव की। वो कांगड़ा गांव है जहां लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में ज़िंदगी जी रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कि बिजली क्या होती है, स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती हैं, सड़क क्या होती है, पानी क्या होता है, क्योंकि जिस तरह एक सड़क नहीं होने के चलते कई सारी परेशानियां इनको झेलना पड़ रही हैं। और खुदा ना खास्ता किसी की तबीयत अगर ख़राब हो जाती है तो उसको लेकर भी जिस तरह की दिक्कतें सामने आती हैं उसको लेकर यहाँ के रहवासी काफ़ी अपने आप को मजबूर महसूस करते हैं। और जिस तरह आपने सुना था कि यहाँ के रहवासियों का साफ तौर पर यह कहना है कि बस बदकिस्मती है ऐसे क्षेत्र की जो इस तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है, बदकिस्मती है उन जनप्रतिनिधियों की जो यहाँ चुनकर तो आ गए लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। साथ में उन्होंने इस बात को लेकर भी कहा है कि पीडब्ल्यूडी भी जो है विकास के दावे करता है, कम वक्त में ज़्यादा डेवलपमेंट की बात करता है, लेकिन जिस तरह के दावे और वादे किए जाते हैं चाहे प्रशासनिक स्तर पर हों चाहे जनप्रतिनिधियों की तरफ से हों, शासन के स्तर पर हों, ये सारे दावे और वादे हर लिहाज से झूठे साबित होते नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें एक खास बात हो रही, मूलभूत सुविधाओं में बिजली पानी सड़क से तो लोग यहाँ पर तरस ही रहे हैं। यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम भी अक्सर देखने को मिलती है जिसके चलते हमारे संवाददाता से संपर्क नहीं हो पा रहा है। डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, इंडिया शाइन की बात कही जा रही है और जिस तरह तेज़ी से विकास होने की बात कही जा रही है उसका एक जीता जागता सबूत यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ की जो स्थिति है उसको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वाकई में देश में विकास किस स्तर पर हो रहा है। जाहिर सी बात है जब बिजली पानी सड़क लोगों को नहीं यहाँ पर नसीब नहीं हो पा रहा है तो नेटवर्क तो दूर की बात समझी जा सकती है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं घनसाल विधायक शक्तिलाल शाह। शक्तिलाल शाह जी, न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। शक्तिलाल जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? लगता है उनसे संपर्क टूट गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये क्षेत्र मूलभूत सुविधाओं से तरासी रहा है, यहाँ पर नेटवर्क की भी एक बड़ी समस्या है जिसको लेकर लोगों से संपर्क नहीं हो पाता है। कांगड़ा गांव, ये वो गांव है जहाँ लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से तरस रहे हैं। उत्तराखंड के घनसाली विधानसभा का यह क्षेत्र है। मूलभूत सुविधाएं नहीं होने के चलते लोगों में काफ़ी आक्रोश है, जनप्रतिनिधियों को पर अपना आक्रोश निकालते नज़र आ रहे हैं, पीडब्ल्यूडी पर अपना गुस्सा जाहिर करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके लोगों जो है प्रशासन के स्तर पर बात हो या शासन के स्तर पर बात हो किसी तरह की कोई सुनवाई इन ग्रामीणों की तरफ से नहीं की जा रही है और किसी की कान पर इस तरफ देखने की जो है जहमत भी नहीं नसीब हो रही है। शक्तिलाल शाह विधायक घनसाली से हमारे साथ जुड़ गए। शक्तिलाल शाह जी, न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। शाह जी, आपको हमारी आवाज़ मिल रही है? लगता है उनसे फिर संपर्क टूट गया। जैसा कि हमने बात कही, मूलभूत सुविधाओं से तो ये गांव तरस ही रहा है तो नेटवर्क जो है एक यहाँ की बड़ी समस्या है जिसको लेकर लोग अपनों से ही बात नहीं कर पाते हैं। जी आपको बता दें हल्लाबोल में आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के घनसाली विधानसभा के कांगड़ा गांव की। उत्तराखंड वैसे अगर इस राज्य की बात की जाए तो पर्यटन की संभावना यहाँ पर काफ़ी कुछ देखने को मिलती है और सरकार भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी कुछ दावे करती नज़र आ रही है। तो देखा आपने, ये वो तस्वीरें थी कांगड़ा गांव की उत्तराखंड के, जहां पर मूलभूत सुविधाओं का अभी भी अभाव है। 70 साल हो गए देश को आज़ाद हुए लेकिन लोग आज भी बिजली पानी सड़क जैसी
मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं और यहाँ एक सड़क नहीं होने के चलते लोग यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ भी नहीं ले पा रहे हैं और यहाँ तक कि सरकारी योजनाओं का लाभ सड़क के अभाव में इन लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है। वहीं जब PWD के अधिकारी LN वर्मा से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि एक महीने में जो है सड़क का निर्माण करा दिया जाएगा। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जिस सड़क के निर्माण को लेकर निविदा निकाली गई थी 9 महीने का उसमें समय तय किया गया था, लेकिन 9 महीने नहीं 3 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है लेकिन 5 किलोमीटर की सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। बावजूद इसके अधिकारी अभी भी 1 महीने में सड़क का निर्माण पूरा करने की बात कह रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से आश्वासन दिया जा रहा है कि जो सड़क जो है 3 साल में पूरी नहीं हुई, 1 महीने में कैसी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा शक्तिलाल शाह जो कि घनसाली विधायक हैं, इनसे भी हमने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह मूलभूत सुविधाओं की बात कही जा रही है वहीं नेटवर्क की समस्या भी इस क्षेत्र में काफ़ी बड़ी समस्या है, जिसको लेकर संपर्क नहीं हो पा, लोगों से संपर्क नहीं हो पाता है। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से PWD अधिकारी ने आश्वासन दिया, इस आश्वासन को कब तक वो आमलीजामा पहनाएंगे। अल्लाह बल में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 1।